बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने आज आपको कुरकुरी भिंडी बना के दिखा रही हूँ। ये देखें कितने मज़े की बनेगी। ये मैंने इसके दो दो टुकड़े कर दिए और उसके बाद ना मैं इसको इस तरीके से बीज निकाल लूँगी पूरे यूँ करके। ये देखो पूरे बीज निकाल लेने इस तरह करके। ये देखें ये मैंने बारीक बारीक काट लिए। इसके सबके बीज आपने निकाल लेने और लंबी भिंडी हो तो उसके दो टुकड़े कर लेने और नहीं तो आपने इस तरह ये बारीक बारीक करके इसकी बारीक बारीक रोटें निकाल लेंगे। फिसलती बहुत है ना तो ज़रा मुश्किल हो जाती है, लेसदार होती हैं। और ये भिंडी इतनी ताकतवर और वो होती है हमारे लिए, ये शुगर में कमी करती है, ये हड्डियाँ जिनकी कमज़ोर होती हैं उसमें, ये इसके डाल के पानी में और रात को रख देते हैं और इसका पानी पीते हैं ताकि जोड़ों के मर्ज के लिए उसके। ये देखें ये सारे बीज निकाल दिए और इस तरह से हमने बारीक बारीक इसको काट लेना है। ये इतनी बारीक काटनी है आपने। और ये जो है ना ये देखें ये सारी को मैं इस तरह से काट लूँगी। पहले मैंने धो के किचन टावल से इसको खुश कर लिया, उसके बाद मैंने इनके इस तरह दो दो टुकड़े कर लिए सबके, आप ये देख ही रहोगे। और इसके बाद इसके ना बीज निकालते जाना और इस तरह बारीक बारीक करते जाने। ये सारी जब हो जाएंगी ना फिर मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि किस तरह ये कुरकुरी बनेंगी। क्या कहते हैं ये देखिए, मैंने भिंडियों का आपको दिखाया था ना, मैंने पहले भिंडियों को धो के बिल्कुल खुश कर लिया किचन टावल से। उसके बाद मैंने क्या किया है कि ना इनको इसके हेड और काट के ना और रख ली, फिर उसको दो पीसेस में कर लिया। उसके बाद मैंने उनका ना वाइट पार्ट अंदर जो होता है बीज समेत वो सब निकाल दिया। ये देखें मैंने इनको बारीक बारीक कर लिया। हर हिस्से में से तीन या चार ये बनेंगे इस तरह। ये देखें ये मैंने सारे बनाए। ये देखें अब इसमें मैंने क्या करना है, ये एक चमचा कॉर्नफ्लोर का डालना है और डेढ़ चमचा बेसन का डालना है एक पाव में। एक पाव का हिसाब है इसका। ये देखें ये, और उसके बाद मैंने ये चाट मसाला डालूंगी। बाकी जो आपको चटपटा लगे मसाला करना चाहें ये आप कर सकते हैं। ये चाट मसाला देखें मैंने डाला है और छोटी मिर्च डालूंगी मैं, थोड़ी सी डाल ली है बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चाट मसाले में भी ज़ाहिर मिर्ची और नमक होता है। ये हो गया, अब नमक डाल दूंगी। आपने कुछ और डालना है, कुछ और मज़े का लगता है तो आप डाल लें। थोड़ा नमक आप अपने हसब ज़ायका डालें ताकि ना ज़्यादा हो ना कम हो। ये आपने डाल के इसको ना इस तरह करना है। और ये आप इसको क्रिस्पी भिंडी कह लें, कुछ भी कह लें, ये इस तरह क्रिस्पी भिंडी कहें। इसके आप पकौड़े भी बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। जो लोग नहीं खाते ना उनको भी पसंद आने लगी, फिर बच्चों को बताए वगैरह ये पकौड़े देंगे और शौक से खाएंगे। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी सही रखती है भिंडी अगर खाई जाए, जो बहुत से लोग नहीं खाते उन्हें पता नहीं होता, और शुगर के लिए बेहतरीन चीज़ है। दूसरी बात ये कि ये हाथों की बीमारियों को भी सही करती है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है उसमें, जिन लोगों को होती है हाथों की बीमारी है। इस तरह ये डाल लिया, अब आपने इसको हाथों से इस तरह मसल लेना है और उसके बाद दो चार मिनट पाँच मिनट रख के आपने ना ऑयल गरम करना है और उसमें ये डाल डाल के इसको अच्छी तरीके से आपने वो कर लेना है। तो ये मज़ेदार सी कुरकुरी बनेंगी और मैं आपको दिखाती हूँ बनाते हुए। ये देखेंगे अब ये ऑयल हमने गरम रख दिया था, गरम हो गया तो हमने फ्लेम को हल्का कर लिया और ये देखें इस तरह डालना है आपने। ये और इस तरह डाल लेंगे तो उसकी जगह बन गई है, डाल लेंगे इस तरह। इसको आप बनाएंगे फ्राई भिंडी कह लें, कुरकुरे पकौड़े कह लें, कुरकुरी भिंडी कह लें, जो आपका दिल चाहे आपको खा के जैसा मज़ा आए आपको लगे आप वो कर सकते हैं आराम से। ये हमने इसको
ये डाल के अब ये हो रहे हैं। ये देखेंगे फ्राई कर ली मैंने, ये ब्राउन होती जा रही है। और ये आपको ऑयल का रंग चेंज लग रहा होगा, तो ये कॉर्नफ्लोर जाके ऑयल में नीचे बैठ जाता है, इसलिए ऐसा हो गया। इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखें ये हो गया, ये सब मैं डाल दिया। और ये ज़्यादा ब्राउन होने से कड़वी हो जाएंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकाल लूँगी इसे। मैंने फ्लेम भी ऑफ कर दिया है क्योंकि तकरीबन अब ये हो गई है। ये बन तैयार हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी आवाज़ सुन रहे हो कितनी कुरकुरी हो गई, और ऑयल भी सारा निकल गया कि ये ऑयली भी लगे आपको। और ये देखें ये तैयार हो गई। ये देखें बिल्कुल, ये देखें ये आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं। ये देखें ये देखें कुरकुरी आवाज़ सुन रहे हैं। ये बहुत मज़ेदार को है। दूसरी तरीके से आप इस तरह बना सकते हैं जैसे पकौड़ों का बेसन बनाते हैं, बनाने के बाद इसी तरह बिल्कुल यही कटिंग यही सब कुछ उसमें डाल देना, और उसके साथ आपने बनाना जैसे पकौड़े कोई चीज़ भी डाल के बनाते हैं, तो वो और भी ज़बरदस्त बनेंगे। दो तरह से ये बन सकते हैं। नई नई रेसिपियाँ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। आप लाइक करा करें, शेयर करा करें, सब्सक्राइब करा करें और कमेंट भेजा करें ताकि मुझे पता चलता रहे मैंने क्या चीज़ बनाई है, सही है, अच्छी बनी है। और आप पूरी फॉलो किया करें मेरी रेसिपी को, और फिर लाइक किया करें, शेयर, सब्सक्राइब दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपका दस्तरखान वसी करे, आपके वक्त में अल्लाह ताला बरकत दे, आप शाद आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज़।